सी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, एबी दिया हुआ 6 यूनिट, बीसी दिया हुआ 8 यूनिट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। कैसे करेंगे आप अप्रोच? पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, एंड राइट एंगल एट बी, यहां पे बी 90 है, राइट एंगल एट बी मतलब बी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप ए बी एंड सी, ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे साइन ए के फॉर्म में साइन सी भी है, साइन ए भी है और साइन सी भी है, यानी एक बार एंगल इसने सी को लिया है और एक बार एंगल ए को लिया है। बच्चे क्या करते हैं, बस एक से वैल्यू निकालो और फटाफट प्लेस कर देते हैं, नहीं, हमें एक बार एंगल सी से वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक बार एंगल हमें ए से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान दो, ए बी हमारा 6 यूनिट है, ये 6 यूनिट ये रेशियो के फॉर्म में होता है इसलिए हमने के लगा दिया है, और बीसी हमारा 8 यूनिट है, ये हमारा 8 यूनिट है, तो एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा हमारा रूट अंडर सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम, एसी स्क्वायर इक्वल्स बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से आया है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आपको पता है। एसी क्या हो जाएगा, रूट सी बी, सी बी क्या है, 8k, 8k का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 6k, एसी इक्वल्स 64k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर, यानी एसी आपका आ गया रूट 100k स्क्वायर यानी 10k, एसी तो हमारा निकल गया, क्लियर क्लास, एसी आपका आ गया 10k। आप नहीं भी लेंगे के तो भी आंसर आएगा, लेकिन जब हम साइन ए कोस को लिखते हैं तो रेशियो के फॉर्म में होता है, के कैंसिल हो जाता है, तो साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम वैल्यू सब निकाल देते हैं, यहां पे साइन ए क्या हो जाएगा, एंगल हमारा ये है तो साइन ए में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट क्या है 8k अपॉन 10k, यही तो होगा साइन है, ये इसके अपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाए आपका 4/5, साइन निकल गया। अब कॉसे फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉसे क्या हो जाएगा, अभी भी हमारा ए यही एंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका हो जाएगा 6k अपॉन 10k, ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब cos c, अब हम बात इस एंगल की करेंगे, cos c अब जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो वो तो फिक्स ही है, तो जब हम cos c की बात करेंगे तो हमारा बेस ये हो जाएगा, ये ध्यान देना, जब हम a की बात करेंगे एंगल a की बात करेंगे तो हमारा बेस ये होगा, जब हम cos इसकी बात करेंगे तो हमारा बेस ये होगा अपोजिट ये होगा, जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो बेस ये होगा अपोजिट ये होगा, एंगल का इंपॉर्टेंस होता है। तो cos c क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 8k अपॉन 10k यानी ये भी 4/5, ठीक है। और कोई रह गया, साइन सी क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये एंगल होता है तो अपोजिट ये हो गया ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन सी मैं यही लिख देता हूं,
साइंस सी हो जाएगा आपका 10K। साइंस सी 6K अपॉन 10K। इसको यहाँ नहीं, मैं अलग लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइंस सी क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 6K अपॉन 10K। तो साइन सी हो गया आपका 3/5। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिए, वैल्यूज तो हमने सारा फाइंड आउट कर लिए, अब हमें ये चाहिए यानी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए हमारे कितना है? 4/5। और कॉस सी ये भी हमारा 4/5 है। कॉस ए हमारे कितना है? 3/5। और साइन सी कितना है हमारा? 3/5। यानी ये हो गया आपका 16/25 प्लस ये हो गया 9/25। यानी हो गया 16 + 9/25 ये आपका हो गया 25/25 = 1। यही इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट? अब आप इसको क्या करेंगे? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।